पूरे देश का भद्र समाज तो गलतियां कर रहा है। सिर्फ एक ईश्वरचंद ही पंडित है जो सुबुद्धि का भंडार है। क्या हमें ये सब मान लेना पड़ेगा? चोर, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। इसकी पुष्टि का परी है जो वह बांटता फिरता है। इसका हमें करारा जवाब देना चाहिए और ये जवाब किसी लठैत को देना चाहिए। बकवास बंद कर। सतीश, अगर तुम्हारी ये खबर सही है कि वो आवेदन पत्र भेज रहा है तो हमें भी उस आवेदन पत्र का प्रतिवाद भेजना चाहिए। कितने आदमी इकट्ठे किए हैं उसने हस्ताक्षर जुटाने के लिए? अरे मैंने तो सुना है पंडित अकेले ही दरवाजे दरवाजे पर पैदल घूम रहा है। अरे हमारे मालिक इतने हस्ताक्षर तो एक दिन में इकट्ठा कर सकते हैं जितने उन्होंने एक महीने में किए हैं। ठीक है ठीक है, पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि वो आखिर पहुंचा कहां तक है। लेकिन इस काम के लिए हमें किस आदमी को भेजना चाहिए? सुनिए, मैं विद्यासागर जी से मिल सकता हूँ? कहिए क्या काम? जी मैं उनके बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। मैं यहाँ किसी काम से आया था, सोचा उनके दर्शन कर लूँ। वैसे मेरा नाम सनातन है। वो तो बाहर गए हैं और कब तक लौटेंगे बता पाना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने विधवा विवाह के बारे में जो कुछ किया है उन्हें मिले बगैर जाने का दिल नहीं मान रहा है। क्या मैं उनके इंतजार कर सकता हूँ? कोई विशेष काम है उनसे? क्या आप भी इस महान कार्य में हमारी मदद करना चाहते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। अब बैठिए। हरीश, काली तला मोहल्ले में किस किस से मिला उसका एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो। वहां पर एक सब कुछ कैसा रहा सर? राधाकांत देव जी ने आपके विधवा विवाह पर लिखे पुस्तिका के बारे में क्या कहा? उन्होंने पंडितों की एक सभा बुलाई है जिसमें हमें तर्क से ये सिद्ध करना होगा कि विधवा विवाह शास्त्रों के अनुरूप है। मैंने उनका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है क्योंकि मैं जानता हूं कि शास्त्रों में इसका विधान है, और अगर इसका विधान ना होता तब भी मैं इस कार्य के लिए प्रयास अवश्य करता। मुझे अब तुरंत निकलना होगा। आप विश्राम नहीं करेंगे सर? विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु हरीश, तुम ये तो बताओ आज हम जा कहाँ रहे हैं? सर, मैं सोच रहा था कि इस तरह घर घर जाकर हस्ताक्षर इकट्ठा करने के बजाय क्यों ना हम किसी ऐसी संस्था में चले जहाँ जमात हो। इस तरह हमें काफी सारे हस्ताक्षर मिल सकते हैं। हाँ, तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, किंतु ऐसी कितनी संस्थाओं को तुम जानते हो? सर, एक संस्था है जहाँ मेरे पहचान के कुछ लोग हैं, विद्युत साहिनी सभा। जोड़ा साहू के सिंघी बाड़ी में हर शनिवार के शाम कुछ तरुण बुद्धिजीवी इकट्ठा होते। कौन सी बाड़ी? सिंघी बाड़ी। इस बार कुछ ऐसा नाटक लिखो कि हम अपने ही घरों में क्रांति का बीज बो सके। नवीन, कहीं ऐसा ना हो कि क्रांति जगाते जगाते घर वाले हमें ही घर से बाहर निकाल दें। आप? प्रणाम सर, प्रणाम। हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे और आप स्वयं यहाँ पधार गए। आशा है अब तुम ये कहोगे कि मैं 100 वर्ष तक जीवित रहूंगा। मैं स्वाभाविक सक्रिय जीवन जीना चाहता हूँ और उसमें से काफी हिस्सा मैं जी चुका हूँ। हम जानते हैं सर, और हम ये भी जानते हैं कि आपका हर पल कामों में ही गुजरता है। मैंने कई बार ये सोचा कि आपको आकर मिलूं, लेकिन फिर ऐसा लगा कि तब तक नहीं जब तक मैं कुछ ऐसा काम न कर लूं कि आपको आकर गौरव से कह सकूं कि मैं वही हूं जिसको आपने अक्षर ज्ञान दिया था। ये तो वैसा ही हुआ जैसा कि उस दिन हुआ था। उस समय मैं पहुंचकर देखा कि तुम पहले से काफी कुछ सीख चुके हो। सर, आपने मुझे क्यों नहीं बुला भेजा? मैं खुद ही हाजिर होता। मैं किसी को बुलाता नहीं। जो भी मेरे साथ कार्य करना चाहता है वो खुद ही चला आता है।
मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से आया हूँ। जी सर। मैं गवर्नर जनरल को एक प्रस्ताव देने जा रहा हूँ, विधवा विवाह कानून। आइए ना सर, आइए आप बैठिए। नवीन, मुझे कहीं और भी काम से जाना है। दया करके आवेदन की एक कॉपी हमारे पास रख के जाइए, हम 100 की तादाद में लोगों से हस्ताक्षर करवा लेंगे और फिर नवीन के इलाके में जो लोग रहते हैं उनमें से तो किसी की ना कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, हमें जबरदस्ती लिया हुआ हस्ताक्षर नहीं चाहिए। जो भी हमारे प्रस्ताव से सहमत हो उसी के हस्ताक्षर लो, किसी भावेश में नहीं। इसके लॉजिक को समझना चाहिए। तुम इसे पढ़ के देख लो, अगर तुम इससे सहमत हो तो इस पे अपने हस्ताक्षर करके मुझ तक पहुंचा देना। मैंने पढ़ लिया सर, अब आपके सामने ही हस्ताक्षर कर सकूं इसमें मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तुम बहुत जल्दी पढ़ लेते हो, ठीक ही सुना था मैंने। ये लीजिए सर, इसे तुम अपने पास ही रखो, जब इस पे कुछ और हस्ताक्षर हो जाएं, जी सर, तो मुझे पहुंचा देना। आपकी अपेक्षा से जल्दी मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। जी सर, आइए। सरोजनी, सरोजनी तुम्हें पता है अभी हमारे घर में कौन आया था? कौन? अभी दोपहर हमारे घर स्वयं पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर जी आए थे। क्या वो नाटक लिखते हैं? अरे बुद्धू नादान लड़की, ईश्वरचंद्र जी भारत का एक नया भविष्य, एक नया इतिहास लिख रहे हैं। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे रहने दे, मुझे बहुत जल्दी जाना है, बहुत सारे लोगों को मिलना है और हो सकता है फिर से ईश्वरचंद जी को भी मिलना पड़े। हाँ और सुन, मुझे रात को आने में देर हो जाएगी। ये भी क्या बात हुई, फिर आप आए ही क्यों? सरोजनी, मुझे तुमसे बात पूछनी थी। सरोजनी, क्या? ऐसे ही अचानक अचानक एकदम अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया, पता नहीं तुम औरत लोग इस बारे में क्या सोचोगे, लेकिन क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे अगर मैं भगवान को प्यारा हो जाऊं? जी जी, ऐसा भी कोई कहता है? भगवान तो मुझे आपसे पहले उठा ले। हे भगवान, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, बहुत परेशान थी इसलिए। आपकी तबीयत कैसी है? सुना है आप कोर्ट जाने लगे हैं। हाँ, क्या करूँ, उस सुने घर में अकेलेपन से मन घबराता है। कोर्ट जाता हूँ थोड़ा सा समय भी जाता है। वैसे मैं पहले से ठीक हूँ। क्या बात है, छुटकू ने फिर कोई नई समस्या खड़ी कर दी? हाँ, आप तो जानते हैं वो कितना जिद्दी है, मनमानी करता रहता है। उसके कारण मैं अपने पूजा अर्चन में भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाती। आजकल वो ऐसे काम में जुट गया है, छी छी छी, मुझे कहते हुए भी शर्माती है। विधवा विवाह तो पाप है, वो ये क्या ले बैठा है? तुम तो उसे बचपन से जानती हो, वो दूसरे लड़कों से कितना अलग है। वैसे उसकी हर बात की खबर मुझे पहुंचती रहती है। विधवा को सुधार तो उसका एक नया शौक है, अपने आप ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी बच्चों की हर बात को ना करने से उनकी जिद और बढ़ जाती है। आप जा रहे हैं? हाँ, कुछ लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। जोड़ा साको का नवीन सिंह, विद्युत साहनी सभा। घर घर घूम घूम कर हस्ताक्षर ले रहा है, ये काम हम भी कर सकते हैं। क्यों नहीं सतीश जी, हमें जल्द से जल्द हस्ताक्षर अभियान शुरू करना होगा। लेकिन इसके लिए लोगों की सभा बुलानी होगी, लोगों से मिलना होगा। अरे ये सब तो होता रहेगा। सनातन जी, तुम दोनों जाओ मदन बाबू के लिए कराओ। अच्छा, और अभो जी
तू बंसी के घर चला जा और जाके कहना पाड़ा के सभी लोगों को अपने घर पे इकट्ठा कर ले। जगमोहन बाबू आ रहे हैं। माँ, ओ माँ। अरे चुटकू। कैसी हो माँ? आज सूरज कहाँ से निकला है जो तुझे माँ की सुध आई? आज सूरज तो सही जगह से निकलना चाहिए माँ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तेरे लिए भी कुछ मुश्किल है? आ प्रसाद दे। नहीं नहीं, वक्त नहीं है माँ बैठने का। तुम ऐसा करो, मेरे हिस्से का प्रसाद भी मेरी धर्म पत्नी को दे दो। प्रसाद ये खाएगी तो पुण्य तो मुझे ही मिलेगा ना। तुझे कहा ना माँ, अगर मैंने तुम्हें छू लिया तो तुम्हें फिर से नहाना पड़ेगा, सोच लो तुम। हाँ हाँ नहा लूंगी, तू आ तो। ये तो घोर अन्याय है माँ, बच्चों को भगवान को माँ से लंबा नहीं बनाना चाहिए। फिर भी उसका हाथ पहुँच ही जाता है रे पगले। लेखा, तू चाहे कितना भी लंबा हो जाए, मेरे लिए तो तू छुटकू ही रहेगा। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। संभल के जाना। अरे बोमा, तुझे कुछ पता है आज उसे किस बात की इतनी जल्दी है? कह रहे थे पंडित विद्यासागर जी के पास जाना है, जिन्होंने अक्षर ज्ञान दिया था। ओ, इसका एक फायदा भी है, इस तरह हमें घर घर जाते देखकर लोग हमारे मकसद को गंभीरता से लेंगे। अरे भाई, ये रहा सामने रजनीकांत जी का घर। अरे हाँ चलिए यहीं से। चलो चलो, हाँ चलो चलते हैं। लगता है सच में छोटे जमींदार ने पद यात्रा शुरू कर दी है। बड़े लोगों की बात ही कुछ और है, खाने पीने की चिंता तो है नहीं, पर कुछ ना कुछ तो करते ही रहना है ना। एकदम दलबल के साथ सामाजिक काम है ना रजनी बाबू, इसलिए हम सब साथ मिलकर निकले हैं। आज सुबह ही आपके मित्र आए थे, आपके आने की क्या जरूरत थी? इन्हों को भेज देते, हस्ताक्षर कर देता। सिर्फ हस्ताक्षर नहीं, आपका सहयोग भी तो चाहिए रजनी बाबू। अच्छा, ये लीजिए, यहाँ कर दीजिए। शुक्रिया। ये हमारे काली प्रसन्न है, बाग बाजार में रहते हैं। अच्छा, हमारे खास मित्र हैं। अच्छा, अभी आप ही की चर्चा चल रही थी। काली प्रसन्न जी, आप भी कृपा कीजिए, ये सब मुझे मत दीजिए। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, मुझे इसे देखने की जरूरत नहीं, और मैं आप लोगों का समर्थन नहीं करता। पहले से ही सबों का समर्थन मिलेगा, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। आपत्ति जानने से हम आलोचना कर सकते थे। आलोचना की कोई बात नहीं, ये कोई तर्क का विषय नहीं है, और हमारा विश्वास है कि स्त्री जाति की पवित्रता और उनका सतीत्व ही हमारे समाज का बल है। अगर उस पर कोई आंच आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। पवित्रता केवल स्त्री जाति के लिए, ऐसा क्यों? बोला ना, मैं तर्क करना नहीं चाहता। आइए बैठिए बैठिए रजनी बाबू, कोई जरूरत नहीं। अरे पहले देश को पहचानो, उसके बाद सुधार करने बैठो। बड़े आए समाज सुधार करने वाले। लीजिए पान खाइए। तुम अपने हाथ से खिलाओ। खाइए ना। अपने हाथ से खिलाओ। लो मर गए, जिसका भय था वही हो गया। आ गए सबके सब। आइए 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 पधारिए, बैठिए। अकेले कैसे? मैंने तो कहा था ना, पाड़ा के सभी लोगों को इकट्ठा कर लेना। और घर के सभी लोग कहाँ? तुम्हारे पिताजी, बड़े भाई, भाभी। वो आज नगेन बाबू के यहाँ काली कीर्तन है ना, सुबह से लोग वहीं फंसे हुए हैं। लेकिन अभी से सजग नहीं होने से तो कल काली कीर्तन के खिलाफ भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, इन लोगों का साहस देख कर तो मैं अवाक हूँ, न जाने क्या क्या बोलते फिर रहे हैं। अब बोलने को तो चलो ठीक है, लेकिन ये हस्ताक्षर, इसे तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। आपके पास भी आए थे क्या? यहाँ? ना 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 ना। और अगर यहाँ आएगा तो उचित जवाब दे पाएगा। बाबा तो बोलकर गए हैं, यदि आए तो मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देना, और अगर फिर भी अंदर आ जाए तो सामने ही उसके जमीन पर गंगा जल चढ़ा देना। इसकी कोई जरूरत नहीं, हस्ताक्षर नहीं करने से ही काम चलेगा। हस्ताक्षर? ये क्या कह रहे हैं आप?
ठीक है, फिर इस विरोध पत्र पर आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। वाह, इस पर तो अनेक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। अरे वो तो है ही, लगे हाथ तुम्हारे भी हस्ताक्षर हो जाएं। करने को तो बहुत जी जा रहा है, लेकिन बड़े भैया बाबा इनसे पहले मेरा हस्ताक्षर करना क्या उचित लगेगा? बल्कि मैं यूं कहूंगा कि बाबा खुद आपके घर जाएं और हस्ताक्षर करने का पुण्य स्वयं कमाएं। आपकी बात का भरोसा ही क्या, आपको कहा था ना सब लोगों बुला कर किया। इस बार देखिएगा जगमोहन बाबू, पूरा के पूरा चंडी मंडप भरा पाइएगा। काम का समय बर्बाद करने का फायदा क्या, बहुत जगह जाना। चलो उठो सतीश। अरे ये क्या, बैठिए ना। नहीं बैठिए, नहीं बहुत जगह। आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए भाई। हमने तो स्वप्न में भी ये नहीं सोचा था कि बाबू नवीन कुमार सिंह हमारे इस गरीब कुटिया में पधारेंगे। नाश्ते वगैरह का भी प्रबंध है? जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, अभी तो हमने काम शुरू ही किया। हाँ हाँ, आप स्वयं काम करने निकले हैं, उस पर विद्यासागर जी का आशीर्वाद। समझिए काम तो बस हो ही गया। ऐसा बोलने से थोड़ी ही चलेगा, आप तो देख ही रहे विरोधी पक्ष के लोग क्या कर रहे हैं। कहीं आपने उनको भी तो हस्ताक्षर नहीं दे दिए? क्या कह रहे हैं आप, मैं और हस्ताक्षर उनको दूंगा? मेरी तो समझ में नहीं आता कि शिक्षित वर्ग इतनी सी बात नहीं समझ पाते, जबकि आपने सारी बात स्पष्ट कर दी है। आपने ये प्रस्ताव पढ़ा है? इसे पढ़ने की क्या जरूरत है, विद्या बाबू ने तो अपनी पुस्तिका में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, तो फिर हस्ताक्षर दे दीजिए। और आपके बाबा और भाई वे लोग कहाँ हैं? उनसे भी तो सुबह बात करके गए थे। जी, जमीन जायदाद से संबंधित एक मुकदमे के सिलसिले में वकील के यहाँ गए हैं, शायद वहीं फंस गए होंगे। कह के गए हैं कि आप लोगों के आदर सत्कार में कोई कमी न रहने पाए। ठीक है, तो फिर आप ही हस्ताक्षर दे दीजिए ना। हस्ताक्षर? क्या मेरा हस्ताक्षर देना उचित रहेगा? मैं बाबा से जाकर बोलता हूँ कि वो इस पुण्य कार्य को स्वयं वहां जाकर कर दें। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। अरे नहीं, लेकिन बैठिए, नाश्ते का प्रबंध किया है, मैं बाबा को क्या कहूंगा। आप ही कर सकते हैं सब। अरे पगली, ऐसा करने से क्या चलता है? जिस युग में जन्मे हो उसकी धारा में बहने के सिवा गति नहीं है। लेकिन अगर विधवा विवाह शुरू हो जाए तो? हो जाए तो हो जाए, अगर तुम विधवा विवाह करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ईश्वर मोशाय, कोई है? कौन है? मैं, सुप्रभात, सुप्रभात। प्रभात तो अभी हुआ नहीं। हाँ? प्रभात अभी हुआ नहीं? आपके नाम ये चिट्ठी है। चिट्ठी? किसकी है? एक अभागन विधवा है, वो भीख मांगती थी पेट के लिए। सुंदरी तो कुपात में पड़ गई, फिर भाई नाच गाना। आज गाना सुना ही नहीं, कसम दी है चिट्ठी आपके चरणों पहुंचाने पर मेरी कोई बात टालेगी नहीं। कह रही थी उसका जीवन पहले से ही नरक हो गया। आपकी उम्र लंबी हो, 100 साल जिए आप, ताकि को विधवा नरक न भोगे। सब लिखा है, सब। मैं चलता हूँ, सुप्रभात। आपकी उम्र लंबी हो, 100 साल जिए आप, ताकि को विधवा नरक न भोगे।
तुम्हें।